कस्बा सेवरा में बिना लाइसेंस के मीट की दुकानें, मुर्गा मीट की दुकानें संचालित की जा रही थी, जिन पर सफाई नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा था। तो इनको मैंने जो है पिछले महीने की 26 तारीख को नोटिस दिया था कि आप अपने आप स्वयं बंद करके, जब तक आपका लाइसेंस नहीं बना है तब तक आप अपनी दुकान बंद करके, संचालन बंद करके हमें लिखित रूप से सूचित कराएं और आवेदन करें लाइसेंस के लिए। इन्होंने किसी ने अपनी दुकान बंद नहीं की, इसलिए हमें ये दुकानें सील करनी पड़ी। नहीं तो हमारे पास कोई आया भी तो नहीं है सर जी। इसमें जो है कितनी दुकानें आपने सील की? 8 दुकानें। उनमें आपने क्या देखा, अनियमितता कुछ पाई गई है आपको? क्या कारण रहा सील करने का? सफाई नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था और उनके पास लाइसेंस नहीं था। अच्छा, कुछ लोगों के आरोप है, कुछ दुकानदारों का आरोप है कि हमारे पास सभी चीजें उपलब्ध थी, सारी सफाई वगैरह सब पे ध्यान रखा जा रहा था। सब चीजें शीशे है, गेट है, डिस्प्रीजर है, एल्स है, पत्थर है, और क्या चाहिए आपको? आपने फॉर्मेलिटी जो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा था नगर पालिका में, जब लाइसेंस बन जाए। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम नबील है। क्या मामला बताइए? हमारा ये मामला है, क्या नाम देख रहे हैं, दुकानें खामखा सील कर रहे हैं। इन्होंने आदेश करा कि उसमें गेट लगाओ, हमने गेट लगा दिया। इन्होंने कहा डिस्प्ले रखो, डिस्प्ले रख दिया। इन्होंने कहा टेस्ट पत्थर सफाई सारी चीजें हमारे पास, आप जाके चेक करो पहले। आपके कहने का मतलब पूरी सफाई, साफ सफाई रखी जा रही है आपकी दुकान में? आप चेक कर लो जाके। तो आपकी दुकान भी सील हो गई? लाइसेंस की अप्लाई हुई, आपका आदमी आता जब भी तो अप्लाई हुआ थी। आपकी दुकान भी सील हो गई जी? और भी 4 अभी 10 दुकानें खरीदी, 10 दुकानें खरीदी। ये बताओ वो क्यों नहीं करी?